हे गाइस, तो कैसे आप लोग। मैं सिमा, आप देख रहे ब्लॉगर वाइज सिमा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ बात करूँ टिमिनस हेल के बारे में, जो एक पोएम है, जो भी उसको पढ़ता है उसका डेथ हो जाता है। और ये एक श्रापित पोएम इसको माना जाता है, एक श्रापित पोएम जो भी इसको पढ़ते हैं जो भगवान के पास चले जाते हैं। यो जो इनके राइटर इस मतलब जो ये कविता लिखी है, खतरनाक कविता, उनका जो इनका जो राइटर है उनका नाम है सीजो यासो, मतलब ये एक जैपनीज है। और इनका नाम थोड़ा मेरे को बोलने में भी ठीक से नहीं हो रहा है, और एक जैपनीज है, ठीक है। और उन्होंने ये कविता को लिखा है, और माना जाता है कि जो भी ये कविता पढ़ता है वो भगवान को प्यारा हो जाता है। यहाँ तक कि जो कविता पढ़ने के दौरान तबीयत खराब हो जाता है, सर दर्द होने लगता है, मतलब अलग अलग कुछ कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है। मैंने कभी किया नहीं, मेरा फर्स्ट है, वो भी वीडियो में करूँगा। क्योंकि आप सबको मैंने इससे पहले एक ब्लडी मैरी वाला वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने एक्सपोज किया कि ये सब नहीं होता, लेकिन उस वीडियो में भी मेरा फट गया था। मैं जो जब अकेले था छत पे, रोंगटे खड़ा होते ना, वैसा मेरा हो गया था, फट के हाथ में आ गया था, समझ सकते हैं। इतना डर लग रहा था, अकेले थे, रात के 3 बज रहा था। उस दिन मैं 3:30 बजे नीचे आया, वीडियो शूट आधा घंटा मेरा लगा, आधा घंटे के बाद नीचे आया। सो आधा घंटा के बाद मतलब जो शूट किया ना, उस क्लिप को भी मैं नहीं देखा कि अच्छा शूट हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे ही बना, मैं दौड़ते हुए नीचे आया, ऊपर का गेट भी खुला छोड़ दिया, घर के जो जो गेट होकर मैं ऊपर गया था वो दरवाज़ा भी मैंने खुला ही छोड़ दिया। बल्कि मैं अपने रूम तक का दरवाज़ा नहीं बंद किया, क्योंकि कुछ होगा तो बाहर कैसे जाऊँगा, इसलिए इतना डर लग गया था। और 3:30 तो हो गया था वीडियो बनाते बनाते, उसके बाद 4:30 में मैं सोया उस दिन। मतलब रात को पूरा रात में इंतजार कर रहा, 3 बजेगा 3 बजेगा 3 बजेगा 3 बजा, मतलब मैं छत पे गया और वीडियो शूट किया। आज भी रात के 12:30 बज रहा है, अभी पूरा अंधेरा देख सकते हैं, खिड़की भी खुला है, वहाँ पर पूरा अंधेरा है, और एक पोएम पढ़ने का काम 12:30 हो रहा है अभी। वो पोएम पढ़ूंगा, देखते हैं भगवान को प्यारा ना हो, भगवान से दुआ करूंगा। और इसमें ये प्रॉब्लम नहीं, मैं प्यारा होता, मेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं। इसमें जो फैमिली पे भी आता है, अगर वीडियो के दौरान मेरे को कुछ गड़बड़ लगेगा तो मैं इस वीडियो को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे नहीं मेरे फैमिली को भी प्रॉब्लम हार्म हो सकता है। इस वजह से मैं वीडियो को आगे नहीं लेकर जाऊँगा। मुझ पर आएगा तो मेरे को टेंशन नहीं है, मेरे फैमिली पर आएगा तो मैं सॉरी गाइस मैं नहीं करूँगा। क्योंकि एक स्टोरी भी है इस पर आधारित, एक लड़का था जो कि पोएम पढ़ता है, उसके माँ बाप मतलब काम से बाहर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, और वो लड़का को साथ अजीबो गरीब मतलब होने लगता है कुछ। तो एक बाबा के पास जाते हैं और बाबा बोलता है कि तुम्हारे घर में कुछ भूत वगैरह ऐसा है। तो वहाँ पे जाते हैं तो गंगाधर का छिट्टा है, कुछ मंदिर उन्दर पूजा वूजा होता है, उसके बाद उसके घर पे सब कुछ नॉर्मल होता है। तो इसलिए मेरे को कुछ गड़बड़ लगा पोएम पढ़ते वक्त, मैं इसको वहीं पे स्किप कर दूंगा, इनकी रोक दूंगा। और आप सबको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी कुछ पता है इनके बारे में, क्या बोल टिमिनस हेल के बारे में कुछ भी पता है, तो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और ये एक जैपनीज़ पोएम है, सो मैंने इसका इंग्लिश वर्जन भी है, तो मैंने वो डाउनलोड किया है, वो पढ़ के आप सबको सुनाऊंगा। माना जाता है कि जितना इफेक्टिव जापनीज है उतना इंग्लिश नहीं है, पर भी मैं ट्राई करता हूँ क्या होता है नहीं होता, ये रियल है या झूठे क्या है नहीं है पता नहीं। वीडियो में आपको दूसरा पता लग जाना वाला है। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दूसरे क्लिक कर दे, और जब तक आप समझ वैसे उनको सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर देगा, साथ ही बेल आइकन ताकि हमारे जितने भी नई वीडियो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमारे सेटअप की तरफ। गाइस डर तो लग रहा है थोड़ा थोड़ा, इससे पहले एक वीडियो बनाया था ब्लड एंड मैरी वाला, उसमें भी खासा डर लग रहा था। रात के समय मैंने वीडियो शूट हुआ, उसको मैंने दोबारा वीडियो भी नहीं देखा अच्छा वीडियो है या फिर नहीं है। दौड़ते दौड़ते अपने रूम में आया और तो उसके बाद में अपने वीडियो को देखा अच्छी तरह से, इतना डर लग रहा था रात को से। सो आज उसे उससे भी ज़्यादा आज अलग टाइप का फीलिंग आ रहे हैं। टेमोज हेल्थ की स्टोरी जो पढ़ने के बारे में बहुत ही बुरा बुरा सुना हूँ, घटना घटता है, ये होता है वो होता है, बाद मेरे को लगा इस पर सच बताना चाहिए, इससे कुछ होता नहीं है, मेरे को विश्वास ही नहीं सब पे, ठीक है बुरे रात को थोड़ा भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं ये कर करके मैं बताता हूँ ये नहीं होता। और आज फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ ये मेरे को नहीं करना चाहिए, बट मैं करूँगा। रात का समय है, सब मेरे घर पे सब सो गए, इसलिए मैं तो लाउडली भी मतलब जोर से नहीं बोल सकता, सो हल्का शांति से अच्छी तरह से बोला स्लो में, और स्टोरी को हम जरूर से पढ़ेंगे और देखते हैं जो होगा सो होगा। बोलते हैं कि ये स्टोरी पढ़ने के बाद बहुत लोगों का मौत भी हो चुका है, और ज़्यादा से बहुत ही कम तबीयत खराब, बहुत ही हाई आदमी खत्म, और देखते हैं मेरे साथ क्या होता है, या फिर ये सब धोखे मतलब सब फेक बातें झूठे बातें हैं, और ये सब बात सच्चाई तो एक्सपोज तभी होगा जब पूरा स्टोरी पढ़ूंगा, उसके बाद जो रिजल्ट है उसके बाद ही। अगर मेरे को कुछ नहीं हुआ तो मतलब ये फेक हुआ, अगर मुझे कुछ होता है भगवान ना करे ये सच हो।
चलो मैं अभी स्टोरी को पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और देखते हैं मेरे साथ कुछ होता है या फिर। हिज ओल्डर सिस्टर वोमिटेड ब्लड, हिज यंगर सिस्टर वोमिटेड फायर एंड द क्यूट टोमिनो वोमिटेड ग्लास फाइट्स। टोमिनो फेल इन टू हेल अलोन, हेल इज वेपन इन डार्कनेस एंड एवर द फ्लावर डोंट ब्लैंक। इज द पर्सन राइट द वेब टोमिनोज ओल्डर सिस्टर। I wonder who the weapons Subusa is. Hit, hit, hit without hitting. Fenrir hails one god. Would you lead him to the dark hell? To the sleep of gold, to the dust convert. Guys, क्या कहूँ? अंदर से मेरे को घबरा है, जैसा महसूस हो रहा है, डर थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन मेरे को नहीं, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। आई वंडर हाउ मच ही पुट इन टू द लीडर लिटल पॉकेट फॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ द जर्नी इन द फेनरिवल हिल। स्प्रेडिंग इज कमिंग इवन इन द forest and the stream, even in the stream of the dark hell. The brush warmer in the mud cage is guys, मेरे को अच्छा नहीं लगा इसको पढ़ने में, ना करूँ ना करूँ, डर जैसा लग रहा है, सब अंदर से मन नहीं किया, मैंने मेरे को नहीं करना, नहीं करना है। साउंड सुने आपने? जी साउंड मेरे को सुनाई दिया। सॉरी गाइस, मैं ये स्टोरी को नहीं पढ़ूंगा, इसके बारे में मैंने भी बहुत ज़्यादा सर्च किया और उसमें मेरे को बहुत ही बुरे बड़े नतीजे देखने को मेरे को मिला है। और नहीं करूँगा गाइस, मिलते हैं वीडियो साथ। ये मतलब सॉरी, इस वीडियो को मैं पूरा नहीं किया, मतलब पूरा नहीं पढ़ा, मतलब मेरे को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को डर लग रहा है, सो मैं नहीं करूँगा, सॉरी बाय। मिलते हैं वीडियो साथ, और ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देगा कर दीजिएगा। और ये स्टोरी मैं पूरा नहीं पढ़ा इसलिए क्योंकि मतलब कुछ मैं बता, अगले वीडियो में आप सबके साथ मैं डिस्क्राइब करूँगा, कुछ मेरे को साथ अभी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अगले वीडियो के साथ मिलता हूँ आप सबके साथ, तब तक के लिए बाय।